नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अध्यापकों से जुड़ी हुई एक जानकारी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि टाइम हमारा जो चल रहा है, इस टाइम में जो स्टडी हो रही है वो घरों से ही हो रही है और ऑनलाइन की जा रही है, तो उसी के चलते अध्यापकों को इसके अंदर कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, तो उन्हीं के रिलेटेड अध्यापकों ने कुछ मांगे की हैं। देखिएगा, जैसे कि शुरू में ही है, ऐप इस्तेमाल के लिए अध्यापकों ने सरकार से मांगा मोबाइल खर्च। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी नेता MLA हैं, MP हैं, उनको मोबाइल खर्च भत्ता दिया जाता रहा है, तो उसी दर्ज के आधार पर अध्यापकों ने भी मांग की है कि इस कोरोना टाइम में जो मोबाइल की मांग है वो ज़्यादा बढ़ गई है और मोबाइल से ही सब काम हो रहे हैं, पढ़ाई जब जो है सारी की सारी वो मोबाइल से की जा रही है, ऑनलाइन स्टडी हो रही है। नए ऐप के विरोध में एकजुट हुए शिक्षक संगठन, तो नए ऐप के विरोध में हुए हैं एक नए ऐप। सरकार जो है बार बार नए नए ऐप जो है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर रही है, जिसके जरिए वो पढ़ाई कर सकें और जिनके जरिए उनको सुगम हो चुके। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ऐप चलाने का प्रशिक्षण भी दे विभाग। अब बहुत से हमारे अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल अभी तक शायद पहले नहीं किया इस कोरोना काल से, और इस टाइम के अंदर उन्होंने फिर भी अपनी जीत और मेहनत लगा करके उसको चलाना सीखा है और इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं। तो फिर बात आ जाती है कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं तो आपको पता है कि नेट जो है, वो इंटरनेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मोबाइल खर्च भत्ता मांगा है अध्यापकों ने। देखिएगा, ऑनलाइन पढ़ाई पर निगरानी रखने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से हर बार नए नए ऐप को डाउनलोड करने के विरोध में सभी शिक्षक संगठन एकजुट हो गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि अलग अलग ऐप्स तैयार कराने की बजाय विभाग को एक ऐसी ऐप डिजाइन करानी चाहिए जिसमें सभी कार्य हो सके, और ऐप इस्तेमाल कराने के लिए शिक्षा विभाग बाकी सरकारी विभागों की तरह भी अध्यापकों को ग्रेड अनुसार मोबाइल का मासिक खर्च मुहैया कराए। ऐप्स में इस्तेमाल करने और CBSE से मान्यता लेकर खोले जाने वाले राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के विरोध में रविवार को जींद में शिक्षक संगठनों को संयुक्त बैठक भी है। इसमें जो है हैलस के साथ हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन, राज्य के प्राथमिक शिक्षक संगठन संघ और ऑफिसर एसोसिएशन के प्रदेश स्तरीय सबके सब मिले जुले होंगे। और अब ये देखिएगा कि प्रशिक्षण भी देना चाहिए, अगर उनको चलाना ही नहीं आएगा सही तरीके से ऐप, तो वो सही तरीके से आगे भी ट्रांसफर इंफॉर्मेशन को नहीं कर सकेंगे। देखिए, हसला के जिला प्रधान बलजीत जो है सारण है, ये कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर शिक्षा विभाग रोजाना नए नए प्रयोग कर रहा है, इसी कारण से हर 15 दिन में एक नई ऐप भी आ जाती है जिसे अनावश्यक रूप से डाउनलोड व इस्तेमाल करने का दबाव बनाया जा रहा है। विभाग को चाहिए कि वह ऐप चलाने का प्रशिक्षण दे और सिर्फ एक ऐप पर ही काम कराएं। हर बार नए नए ऐप के इस्तेमाल से शिक्षक के अध्यापन कार्य में भी रुकावट आती है। संघ की मांग है कि विभाग की ओर से सभी अध्यापकों को मोबाइल सिम व मासिक खर्च की अलग से व्यवस्था कराई जाए। तो इसमें जो है बहुत से प्रदेश अधिकारी भाग लेंगे और जो है बैठक जो दोनों मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार कर जाएगी, तो इसलिए ये जो है आप शिक्षकों ने जो मांग की है सरकार से ऐप इस्तेमाल के लिए, अध्यापकों ने सरकार से मांगा मोबाइल खर्च। चलिए दोस्तों, आज थी ये छोटी ही इन्फॉर्मेशन, फिर मिलते हैं नई वीडियो नए जोश के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।